नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फैमिली के साथ मस्त होंगे और जो सर्दी का सीजन है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग एक्साइटेड हैं कि डाटा सेंटर हमारा ऑन पैसिव का रेडी है, ओ डोमेन रेडी है और हमारा ओ ट्रैकर, ओ कनेक्ट, और इससे बड़ी बात ये है कि ये इनकम के सोर्स बनेंगे आप सब लोगों के लिए, फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, जो भी एफिलिएट्स आ रहे हैं उनके लिए। आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपके इनकम सोर्स को ये बढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम डाटा सेंटर की बात करें या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम जब किसी चीज़ को इंटरनेट के माध्यम से सर्विंग करते हैं या उसको सर्च करते हैं, किसी चीज़ को खोजते हैं या कोई डिजाइनिंग करते हैं, तो वो हम किसी दूसरे की वेबसाइट पर करते हैं और उसका डाटा सेंटर कहीं, उसका का जो डाटाज होता है वो कहीं और हमसे बहुत दूर होता है और हमको केवल एक लिंक मिला होता है या वेबसाइट के रूप में मिला होता है। जैसे हम लोग बात करें तो अगर अमेजोन है, अगर अमेजोन को हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद में उसके डाटा के अंदर जाते हैं, उसको सर्च करते हैं क्या क्या चीज़ उसके अंदर है, तो उसको इस तरह के सिस्टम को, या आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, अगर हम लोग फोटो देखते हैं, शेयरिंग करते हैं और हमारे पास ही जाती है और दिन भर हम उसको देखते हैं, सर्च करते हैं, सर्विंग करते हैं, सर्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनका जो एक बेस स्टेशन होता है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग या डाटा सेंटर कहते हैं। डाटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट की आवश्यकता होती है और आप वहाँ पे किसी भी चीज़ में सर्च करके अंदर चले जाते हैं। और ये डाटा सेंटर जितने भी बने दुनिया भर में कुछ ही लोगों के पास हैं, अमेजॉन के पास है या फेसबुक के पास है, एक दो और कंपनीज है, चार पांच लोग हैं। अब इस कड़ी में ऑन पैसिव भी शामिल हो चुका है कि हमारा स्वयं का डाटा सेंटर है, तो यहाँ से डाटा सेंटर जो लोग किराए पर अपने देते हैं तो उसके कुछ चार्ज करते हैं, ऐसे ही ऑन पैसिव को इससे भी बेनिफिट होने वाले, तो डाटा सेंटर से एक बड़ी इनकम हो रही है ऑन पैसिव को होगी, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इन लोगों को हो रही है। कुछ देखा होगा कि ये लोग अपने डाटाबेस स्टेशन है या क्लाउड कंप्यूटिंग का स्टेशन को लोगों को किराए पर भी देते हैं। अब किराए पर देते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनसे अर्निंग जरूर करते होंगे, उनसे कुछ पे आउट जरूर लेते होंगे, तो ऐसे में यहाँ ऑन पैसिव भी इस कड़ी में जुड़ चुका है और यहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर जो होते हैं ऑन पैसिव के साथ आ चुके हैं, तो इससे भी आप लोगों को इनकम होगी। डाटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पूरा डाटा जो हम प्रोवाइड देने वाले हैं, जैसे कि आप इस समय ऑन पैसिव को जब सर्च करते हैं तो उसके अंदर जाते हैं तो इसका डाटा सेंटर कहीं और है, किसी और के पास है और उस टोटल जितना भी उसके अंदर आप लोग सर्च कर रहे होते हैं ये सारा का सारा डाटा वहाँ पे पहले स्टोर किया जाता है, और जब स्टोर किया जाता है तो अब हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत चीज़ें आ जाती क्योंकि पहले से उसमें बन रखा हुआ है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में भी कि हमारे पास बहुत सा डाटा जो होता है या बहुत ढेर सारे जो बड़े बड़े बिग कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं उनके अंदर ये डाटा स्टोर हो जाता है। अब ये इतना ज़्यादा सिक्योर है कि इसको कोई भी हैकर इसमें कोई भी चीज़ों को चुरा नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता, तो जो भी हमने अगर किसी चीज़ को बनाया, जैसे ऑन पैसिव ने अपने किसी भी चीज़ सिस्टम सारे सिस्टम को ऐड इसमें कर दिया है, तो जब भी हम लोगों को इसके अंदर एंट्री लेनी होगी तो या तो हम onpassive.com के माध्यम से जाएंगे या जो हमारे पास आईडी पासवर्ड है हम उसके माध्यम से जाते हैं और हम अपना आप तो डाटा देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर विजिट भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब दूसरी बात ये आ रही है कि ओ कनेक्ट ऑन पैसिव का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट हम लोग देखिए सेकेंड फेज़ की तरफ जा रहे हैं, और सेकेंड फेज़ में हम लोग ओ कनेक्ट को और ज़्यादा हाई टेक होते हुए देखेंगे और ओ कनेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन हम लोग बाय कर रहे हैं अभी, इसको और दुनिया भर के लोग बाय करने वाले हैं, और जब ये लोग बाय करेंगे तो सोचिएगा ये ऑन पैसिव को इनकम जब होगी और ये ऑन पैसिव हम सब फाउंडिंग मेंबर्स और अदर जो भी लोग हैं इन सबको बेनिफिट
होने वाला है। ओ ट्रैकर की भी सेल्स ज़बरदस्त होगी और ओ डोमेन पर तो मैंने मॉर्निंग में भी एक वीडियो बनाया था कि ओ डोमेन तो हमारे लोगों की इनकम का बैकबोन होने जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, ये ज़रूरत से ज़्यादा सेल होता है और हर किसी को इसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो अर्निंग सोर्स की मैंने बात करी है ऑन पैसिव पे, जो अर्निंग सोर्स बढ़ने वाला है वो ये है डाटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओ डोमेन, ओ ट्रैकर, ओ कनेक्ट। अब सोचिए ये केवल हमने इसके सामने पांच ही प्रोडक्ट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इसको आज यूनिवर्स के रूप में देखें या पूरे दुनिया के अंदर देखें तो ये सबसे ज़्यादा सेलेबल और यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है और इंटरनेट की दुनिया के प्रोडक्ट है। आने वाले टाइम पे ये सभी कुछ AI बेस्ड होंगे और क्लाउड कंप्यूटिंग पे जब हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र इधर से उधर करते तो बहुत फास्ट मूविंग होता है, तो हमें इसको सर्च करने में भी आसान होता है। हम कोई भी चीज़ पूछते हैं, अगर हम गूगल के पास जाते हैं, हम कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, हम केवल वहाँ पे लिखते हैं, वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। सेम बिल्कुल यही सब कुछ ऑन पैसिव के पास स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है। और हम गूगल को अगर देखें तो उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपने डाटा सेंटर किराए पर भी देता है, बहुत लोग उसका यूज कर रहे हैं जिससे कि उसको अच्छी अर्निंग होती है। यहाँ की भी जो अर्निंग के सोर्सेस हैं तो ज़बरदस्त अर्निंग आने वाले फ्यूचर में हम सब लोगों के साथ आनी है। किस दिन से वो कनेक्ट आप लोगों को आ चुका है, तब से आप तक देखिए काफ़ी ऑन पैसिव ने उससे इनकम की है, जो अभी बहुत जल्दी आपको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और जितनी जल्दी ओ डोमेन के पैकेज आ जाएंगे, लोग इसको बाय करेंगे, अभी इस पर इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं, अभी तो बहुत लोग इसको जो यूज करते हैं, सेल करते हैं, इसकी कॉपी करके, मतलब इसमें आपके साथ में एज एफिलेट आएंगे, उसके बाद में वो उन अपने एफिलेट सिस्टम से लेकर के इसको सेल भी करेंगे। तो यहाँ जो इनकम का सोर्स है ऑन पैसिव के पास, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑन पैसिव के पास इनकम का सोर्स क्या है, तो ये पाँच प्रोडक्ट तो ऐसे हैं। और अभी तो आपका ओ नेट आ रहा है, ओ ट्रिम अभी आप लोगों के सामने भी वायरल होने वाला है, तो ये सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आप सब लोगों के इनकम में इजाफा करेंगे, ऑन पैसिव के इनकम में इजाफा करेंगे। और जब ऑन पैसिव को इनकम होगी तो ये आप सब लोगों को इनकम होने वाली है।